इंडिया में करोड़ों लोग हर साल गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते हैं, पोस्ट कौन सी है इससे फर्क नहीं पड़ता। दुख है सर, क्या बोलूं? मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं। इसमें 70-80% वो लोग होते हैं जो छोटे शहरों या गांव से आते हैं, यानी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के वो बच्चे जिनके माँ बाप की इनकम बहुत कम होती है। 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। 3 से 4 साल ये लोग घर से दूर शहरों में जाकर घर परिवार सब कुछ भूल कर गवर्नमेंट एग्जाम की जमकर तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी इनका नहीं होता क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए टोटल 10 सीट हैं और 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं और उसमें 50 लोगों के नंबर सेम भी हैं और ये सभी उस पोस्ट के लिए एक समान रूप से योग्य भी हैं, तब भी इन 50 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों का ही सिलेक्शन होगा क्योंकि सीट तो केवल 10 ही हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि जो 40 लोग हैं वो बेकार हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि 2 साल तैयारी करने के बाद आपको पता चलता है कि इस बार एग्जाम डिले हो गया है, अब अगले साल होगा। मैंने खुद ने भी अपना पूरा सर्कल खत्म कर दिया था, मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे। रोया नहीं मैं, मतलब कि मुझे ऐसा कुछ रोना नहीं आया, थोड़ा सा बुरा लगा बट। क्या बीतती होगी उन पर जो 2 से 3 साल इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और अब उनको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। यही वजह है कि हर साल हजारों युवा कई गलत कदम उठा लेते हैं। क्यों सरकारी नौकरी के पीछे लोग आंख बंद करके भाग रहे हैं और इसको कम करने के क्या सॉल्यूशन है, इसी पर बात करते हैं। सरकारी नौकरी चाहिए, पोस्ट कौन सी है इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सरकारी नौकरी से पड़ता है। इसलिए एक चपड़ासी की पोस्ट के लिए MBA और PhD डिग्री होल्डर तक अप्लाई करते हैं। एक छोटे से गांव का लड़का घर परिवार माँ बाप सब कुछ छोड़कर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में आता है। सरकारी नौकरी की कोचिंग के लिए 3 से 6 साल तक तैयारी करता है, जब कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता तो फिर आता है डिप्रेशन, क्योंकि अब आपको लगता है कि आपकी एज भी हो चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है। वो सारी बड़ी बड़ी बातें याद आने लगती हैं जो आप करके 4 से 5 साल पहले घर से निकले थे। अब तो आपके पास कोई दूसरी स्किल्स भी नहीं है जिससे आपको कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी मिल पाए। घर वाले वेट कर रहे हैं कि अब उनके बेटे की सरकारी नौकरी लगेगी और उनकी गरीबी दूर होगी। वो सोचता है कि मैं घर जाके क्या बोलूंगा, मैंने इतना पैसा लगवा दिया, हॉस्टल लिया। अब आप न घर जा सकते हैं और न ही कुछ और कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। फिर समझ आती है अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती या एक गलत फैसला जिसका पछतावा पूरी जिंदगी भर नहीं जाता। इसलिए जरूरत यह है कि जो चीज आप 6 साल बाद समझ रहे हो वो आप 6 साल पहले ही समझ जाओ। शायद 6 साल पहले आप अपने घर से ना निकले होते तो शायद आज ये दिन ना आता। कुछ रीजंस की बात कर लेते हैं कि क्यों सब सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं और बाद में फेल होकर पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, ना आपको कोई प्रॉपर गाइड कर पा रहा है। हम सरकारी नौकरी के अलावा वो चीज देख ही नहीं पा रहे हैं जो हम कर सकते हैं। जो एक चीज हमें किसी ने बता दी है या फिर हमारे माँ बाप ने दिमाग में घुसा दी है, बस उसी के पीछे भाग रहे हैं, फिर चाहे हमारे अंदर उसके लिए काबिलियत हो या ना हो। इसमें कई बार पेरेंट्स की भी गलती होती है या फिर उनको नॉलेज की कमी होती है। पड़ोसी या गाँव में किसी का बच्चा टीचर बन गया तो अपने बच्चे को भी जबरदस्ती उसी रास्ते पर चला देते हैं और अपने बच्चे का जीवन अपने ही हाथों से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपनी अलग क्षमताओं के साथ पैदा होता है। हो सकता है आपके बच्चे के अंदर DM बनने की योग्यता या फिर डॉक्टर, या फिर हो सकता है वो प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ अच्छा कर सकता हो। इसलिए उसे अपनी राह खुद चुनने दो या फिर उसे प्रॉपर गाइड करो। समाज में नाम होगा, लाखों का दहेज मिलेगा, एक अलग ही रुतबा होगा, इन सभी इंटेंशन के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो तो शायद गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, उस काम के लिए भूख ही नहीं है, तो सक्सेस के चांसेस भी बहुत कम है। और सक्सेस हो भी गए तो जिस इंटेंशन के साथ आपने एग्जाम क्लियर किया है वैसा कुछ होने नहीं वाला, उसके बाद भी आपको अपनी लाइफ में खालीपन ही नजर आएगा। मेरे ताऊ का लड़का कर रहा था, उसका हो गया तो मैं भी करूंगा, सरकारी नौकरी के बाद तो मजे ही मजे हैं, पेंशन भी मिलेगी, ये सब सोच के आप भी सरकारी नौकरी के पीछे भागने लगते हो। किसी और को देखकर, किसी और की बातों को सुनकर आप भी उसी लाइन में आगे जाने लगते हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिससे आप प्रेरित हुए हो उसे इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट हो और इस काम में आपसे ज्यादा काबिल हो, इसलिए उसने एग्जाम निकाल लिया हो
हर कोई इंसान अलग होता है, आप अपने आप को पहचानो और अपने अंदर की उस काबिलियत को पहचानो जिसमें आप अच्छा कर सकते हो और उसके पीछे भागो। गवर्नमेंट एग्जाम बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उनके लिए जिनका उसमें इंटरेस्ट हो, उनके लिए नहीं जो गलत इंटेंशन के साथ किसी और की सक्सेस को देखकर उसके पीछे भागते हैं। सरकारी नौकरी के पीछे भागने का मेन रीजन गरीबी भी है। जो लोग बहुत गरीब होते हैं इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर प्राइवेट जॉब करना है तो उसके लिए इनको बाहर जाना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, अच्छा कोर्स लेना पड़ेगा, लेकिन इनके पास उसके लिए पैसे नहीं है। 12th तक तो ये आसानी से अपने गाँव से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन असली गेम शुरू होता है 12th के बाद, और इनके पास गरीबी से उभरने का एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है कोई भी सरकारी नौकरी। देखिए, अगर इस सब के सॉल्यूशन की बात करें तो मेरे हिसाब से इस सब के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो। न इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, न आपकी फैमिली जिम्मेदार है, और न ही समाज जिम्मेदार है, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। फैसला आपको लेना है कि आपके लिए सही क्या है। आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी काबिलियत किस क्षेत्र में है। आपने देखा होगा बहुत से लोग 4 साल बीटेक करने के बाद, 2 साल एमबीए करने के बाद उसके बाद बोलते हैं कि अब मुझे यूपीएससी करना है। जब यूपीएससी ही करना था तो 12th के बाद भी तो कर सकते थे। अपनी लाइफ के 6 साल माँ बाप का उम्र भर कमाया पैसा गंवाने के बाद अब आपको समझ आ रहा है कि आपको यूपीएससी करना है। आपको शुरुआत में ही समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ये सोचने में आपको जितना टाइम चाहिए आप ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा होता है और कुछ नहीं। कुछ नहीं, आँख में कुछ चला गया था।